मंत्री कवासी लखमा ने महिलाओं को बांटी साड़ियां। पूर्व मंत्री ने कहा विधानसभा में इनकी स्थिति खराब, इसलिए कपड़े बांटकर खरीद रहे वोट। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे एक गाँव में ग्रामीण महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को लुंगी और बनियान बांटते नजर आ रही है। चुनाव से पहले कवासी लखमा का यह वायरल वीडियो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इस पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि मंत्री लखमा की अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे ग्रामीणों को कपड़े बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब केवल चंद महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी पिछले कुछ दिनों से अपने कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंदरूनी गांव तक जा रहे हैं, गांव-गांव में बैठक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर का कवासी लखमा ने पिडमेल भेजी किस्टाराम रामाराम समेत अन्य गाँव का दौरा किया गया था। इन्हीं में से कुछ गाँव के ग्रामीणों के बीच पहुँच कर उन्होंने चौपाल लगाई थी। वे अपने साथ भारी संख्या में साड़ी लुंगी भी लेकर गए थे। लोगों से बातचीत करने के बाद कवासी लखमा ने गांव की महिलाओं को साड़ी बांटी, साथ ही पुरुषों को लुंगी और बनियान दिए थे। इस दौरान वहां पास में ही मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे कवासी लखमा का जनता के लिए प्यार होना बताया है, तो कुछ ने इसे चुनाव से जोड़ दिया है। भाजपा ने भी इसे मुद्दा बना लिया और कवासी लखमा पर कपड़े बांधकर वोट खरीदने का आरोप लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीजी लाइव।